और इधर लव जिहाद का एक बड़ा मामला राजस्थान के उदयपुर से भी सामने आ गया। आरोपी पर एक हिंदू लड़की पर धर्म परिवर्तन करके शादी का दबाव बनाने का आरोप लगा और जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी। और इस बीच लव जिहाद के आरोपी के लोगों ने कोर्ट परिसर में जमकर पिटाई कर दी। आरोपी और उसके पिता की जब कोर्ट में पेशी हो रही थी तो वकीलों ने उनकी कोर्ट परिसर में ही पिटाई कर दी। भारी हंगामे के बीच पुलिस वालों ने दोनों आरोपियों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। तो इसके पापा बोलते थे कि ना ये जो बोल रहा है वो तू कर ले, नहीं तो ये तेरे को मार डालेगा। आरोपी आसिफ पर आरोप है कि वो पिछले कई दिनों से लड़की पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बना रहा था। यही नहीं, आरोप ये भी है कि आरोपी आसिफ लड़की के साथ दिल्ली जैसी वारदात को अंजाम देने की धमकी दे रहा था। और इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट से बवाल मच गया, जिसमें एक करीम खान नाम के लड़के ने 3 मुस्लिम लड़कियों से शादी करने वाले गैर मुस्लिम लड़कों का सिर काटने की धमकी दी, जिसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस को जानकारी मिली कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में तीनों लड़कियों की फोटो शेयर करके उन लड़कों के सिर काटने की धमकी दी जा रही है जो इन लड़कियों से शादी करने वाले हैं। हालांकि पुलिस ने मामले में तुरंत संज्ञान लिया और धमकी देने वाले करीम खान नाम के लड़के को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इस तरह के भड़काऊ प्रचार करने वालों के खिलाफ जल्द से जल्द शिकायत दर्ज कराएं ताकि पुलिस उन पर कार्रवाई कर सके। पटना में गुस्साए लोग हाथी और ऊंट लेकर थाने पहुंच गए और हत्या के आरोपी को सजा दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। असल में 2 महीने पहले पूर्व पार्षद मुन्ना राय की हत्या कर दी गई थी, जिसके खिलाफ उनके परिवार वाले लगातार पुलिस से इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी हत्या के आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। यही वजह रही कि हत्या के खिलाफ भड़के लोगों ने हाथी और ऊंट लेकर थाने में प्रदर्शन किया। परिवार का आरोप है कि इस मामले में पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की और जब परिवार वाले इसकी जानकारी लेने थाने पहुंचे तो उनसे बदसलूकी की गई। मुसी मेरे साथ मिसबिहेव किया, थप्पड़ मारा और लाठी तक उठाया मारने के लिए, जिसके बाद लोगों ने थाने में जमकर हंगामा किया, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस के अधिकारी वहां पहुंचे और थप्पड़ मारने वाले पुलिस कर्मी को निलंबित कर दिया। उत्तर प्रदेश के शामली में एक मंदिर में प्रवेश के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की गई कि वो शॉर्ट्स में ना आए। मंदिर कमेटी ने लोगों से अपील करते हुए एक बोर्ड भी लगाया, जिसमें मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं से खास तौर पर अपील की गई कि वो शॉर्ट ड्रेस, शॉर्ट्स या फिर कटी पटी जीन्स पहनकर मंदिर ना आए, वरना उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के शामली में श्री हनुमान धाम मंदिर के बाहर ये बोर्ड लगाया गया। ऐसे कपड़े पहन के भाई साहब आ जाते हैं तो दूर से दर्शन करें, मंदिर में प्रवेश ना करें अंदर। हालांकि मंदिर कमेटी ने सफाई दी कि ये कोई नया नियम नहीं है, पहले भी ये नियम था, लेकिन अब इसे लेकर बोर्ड लगाया गया है और लोगों से अपील की गई। प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड की मुलाकात में बॉर्डर के मुद्दे पर बात हुई और दोनों के बीच मामले को सुलझाने पर सहमति बनी। नेपाल के प्रधानमंत्री 4 दिन की यात्रा पर भारत आए और इस दौरान पुष्पकमल दहल प्रचंड ने की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, जिसके बाद दोनों नेताओं ने साझा बयान दिया जिसमें भारत नेपाल बॉर्डर का मुद्दा उठा और प्रधानमंत्री ने नेपाल को 9 साल पहले दिया गया हिट फॉर्मूला यानी HIT फॉर्मूला याद दिलाया। इस फॉर्मूले का मतलब है हाईवेज, आईवेज और ट्रांसवेज। PM ने नेपाल के PM के सामने इस फॉर्मूले का जिक्र करते हुए उन्हें भरोसा दिया कि वो 9 साल पुराने अपने वादे पर कायम है और दोनों देशों के बीच बॉर्डर की वजह से झगड़ा नहीं बढ़ने देंगे। कि हमारे बॉर्डर्स, हमारे बीच बैरियर्स न बने। PM की इन बातों से नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड भी खुश दिखे। उन्होंने भी उसी अंदाज में भारत को जवाब दिया और भारत नेपाल सीमा के मुद्दे को बातचीत से सुलझाने की हिमायत की।